हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन शेफ विद रुखसाना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन फ्राइड राइस। ये इंडो चाइनीज रेसिपी है, इसमें थोड़ा सा इंडियन टच भी है, लेकिन बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी ये रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है ये चिकन 300 ग्राम्स है बोनलेस। इसको मैंने थोड़े खड़े मसाले अदरक लहसुन और नमक के साथ उबाल लिया है और फिर इसको श्रेड करके लिया है। और इसमें लूँगी ये दो अंडे और ये चिकन स्टॉक है। और इसमें जो सॉसेस लगेंगे वो इस तरह से है। ये सोया सॉस है 1.5 टीस्पून, ये 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस है, 2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और ये 1.5 टीस्पून गार्लिक को मैंने बारीक क्रश कर लिया है। मैं इसमें गार्लिक भी यूज़ करूँगी और ये अदरक लहसुन के पेस्ट भी यूज़ करूँगी। और ये गरम मसाला पाउडर है, ये एकदम हल्का सा डालें, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। ये सॉल्ट है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लें, क्योंकि सोया सॉस भी है इसमें और चिकन में भी मैंने सॉल्ट डाला है। सोया सॉस में भी काफ़ी सॉल्ट होता है और राइस में भी थोड़ा सॉल्ट है, तो उस हिसाब से लें। इसमें जो सब्ज़ियाँ लूँगी वो इस तरह से है, ये पत्ता गोभी है 1 बॉल और ये 1 बड़ी शिमला मिर्ची है, मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। ये स्प्रिंग ऑनियन है 1 बॉल, ये गाजर है 1 बॉल, ये ग्रीन चिल्ली है, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये बीन्स है 1 बाउल और ये थोड़ा हरा धनिया और एकदम थोड़ा सा पुदीना लिया है मैंने। ये पुदीना ऑप्शनल है लेकिन फ्रेंड्स ज़रूर डालें, अच्छा आता है टेस्ट उससे। और इसमें मैंने लिया है बासमती राइस 2 कप, इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। 2 कप राइस है, लगभग 6 कप पानी में मैंने थोड़े खड़े मसाले और नमक के साथ उबाल लूँगी। 90% पकाना है राइस को, उसके बाद हम इसे छान के निकाल लेंगे छन्नी में। अभी हम फ्राइड राइस बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेंगे इसमें, इसमें ये अंडों को फेंट लिया है मैंने अच्छा सा। इसके क्रम्बल करके लेना है हमें। ये क्रम्बल हो गया है, अभी इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्ची डालेंगे, एकदम हल्का डालेंगे। इसे अब मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें और थोड़ा ऑयल लेते हैं, लगभग मैं पूरी डिश बने तक 100 ग्राम ऑयल यूज़ में आएगा। इसमें सबसे पहले गाजर और बीन्स डालेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, अब इसमें डालते हैं हरी मिर्ची। हमें यह सब शालो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इसके बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची, ये
अब इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, इसको जैसे जैसे टाइम लगता है फ्राई होने के लिए वो हिसाब से सब्जियां डालें ताकि लास्ट तक जो पहले डाले हैं वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो, इसलिए पहले हम बीन्स और गाजर डाले हैं। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये थोड़ा क्रंची रहे। अब इसमें डालते हैं स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट डाल रहे हैं अपन इसमें। इसे हमें तेज आंच पर ही बनाना है। अब इन सब्जियों में हल्का सा नमक और काली मिर्ची डालें। और चुटकी भर गरम मसाला डालें। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। सेम पैन में ऑयल लें। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम ये लहसुन डालेंगे। लहसुन थोड़ा फ्राई हो जाए। अब इसमें अदरक लहसुन डालते हैं। और ये चिकन डालते हैं। चिकन को लहसुन के साथ थोड़ा सौते करते हैं, इसमें लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स ज़रूर डालें आप लोग। ये चिकन थोड़ा सौते हो गया है, इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे इसमें। मैंने पहले जो ब्लैक पेपर लिया है उसी में से डाल रही हूँ मैं ये। अभी इसमें ये अंडे डालेंगे। और ये सब्जियां डालेंगे। हल्की सी शुगर डालेंगे ताकि सब्जियों का कलर चेंज ना हो। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे, ये सिरका है, और ये ग्रीन चिल्ली सॉस। इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें थोड़े थोड़े राइस डाल के मिक्स करेंगे। अभी इसमें जो बचा हुआ गरम मसाला था वो डाल देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर था वो भी डाल देंगे, ये थोड़ा सा सॉल्ट है ये भी डालेंगे। अभी ये सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। सभी मसाले अच्छा सा मिक्स हो गए हैं, सब्जियाँ चिकन वगैरह सभी। अभी मैं एक चम्मच घी डालूँगी इस पे से।
इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर डालें। चाइनीज़ में घी ऐसे बोले लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है, डाल के देखें ज़रूर। ये अभी मैं ये हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से, और ये थोड़ा सा पुदीना है। ये चिकन स्टॉक है, ये थोड़ा ऊपर से डाल दें ताकि नीचे दाग ना लगे। इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद इसे सर्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा चिकन फ्राइड राइस बनके तैयार है, इंडो चाइनीज स्टाइल का। अभी हम इसे परोसते हैं, मैं इसे चिल्ली चिकन के साथ में परोस रही हूँ। इसके साथ ये मैंने शेजवान सॉस भी रखा है साथ में। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और ये रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और किचन शेफ विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें। बाजू के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। गुड डे, अल्लाह हाफिज़।